सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। आज मैं इस वीडियो में आपको माता सती अनुसुईया के आश्रम ले चलेंगे। यदि आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट्स पूरा वीडियो देखने के बाद अवश्य करिए। सबसे पहले अपने चार पहिया वाहन को मैं स्टैंड पर खड़ा करता हूँ। दोस्तों, अगर आप चित्रकूट धाम की यात्रा पर हैं और सती अनुसुईया आश्रम पर जाना चाहते हैं तो सबसे बेहतर वैकल्प यह रहेगा कि आप रामघाट से आप टेम्पो या ऑटो कर लें और वहीं से आप सती अनुसुईया यात्रा पर आप जा सकते हैं। ये लेटे हुए हनुमान जी हैं। सती अनुसुईया आश्रम जाते समय आपको काफी दोनों तरफ दुकानें आपको मिलेंगी। हम लोग अभी सती अनुसुईया आश्रम पहुंच चुके हैं। मंदाकिनी नदी के ठीक सामने स्थित है सती अनुसुईया मंदिर। मैं आपको सती अनुसुईया आश्रम के बाहर का भाग दिखा रहा हूँ। ये काफी भव्य मंदिर है। मंदिर में प्रवेश द्वार के से थोड़ा ही आगे ही प्राचीन शिवलिंग स्थित है। इस शिवलिंग की परिक्रमा करते हुए मंदिर में प्रवेश करते हैं। इस आश्रम के बाई ओर से मंदिर में हम प्रवेश करेंगे। ये हम लोग सती अनुसुईया मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। यह मंदिर 3 मंजिला इमारत से बना हुआ है। इस मंदिर में प्राचीन साधु संतों की समाधियां बनी हुई हैं। चलिए इस समाधि की परिक्रमा कर लेते हैं। ये समाधि परमहंसी ऋषि की है। ये आश्रम 3 मंजिला इमारत से बना हुआ है। 3री मंजिल में ही सती अनुसुईया का मंदिर स्थित है। चलिए ऊपर चलते हैं। सती अनुसुईया के जीवन को चित्रित करते हुए ये सब मूर्तियां बनाई गई हैं। या मेरा वीडियो आप पूरा देखिए। मैंने पूरे वीडियो में सती अनुसुईया आश्रम का चित्रण किया है। हम लोग सती अनुसुईया मंदिर पहुंच चुके हैं। सामने आपको जो दिखाई पड़ रहा है वो सती अनुसुईया मंदिर है।
अनुसुईया माता के दर्शन करने के बाद आगे लोग पढ़ते हैं। तीसरे तल पर माता सती अनुसुईया का बेहद भव्य और खूबसूरतियों से सजाई हुई मूर्तियाँ हैं। मंदिर के प्रांगण में सती अनुसुईया जी के सीता को जो उपदेश दिए गए हैं और रामायण की छोटी छोटी मूर्तियों का चित्र किया गया है। भगवान शंकर विष्णु महेश बाल रूप में दर्शन दिए थे। यहाँ एक छोटी सी गुफा भी बनाई गई है जिसमें हम अब प्रवेश करेंगे। ये प्रवेश करने के बाद आगे बढ़ते हुए फिर एक नीचे प्रवेश करेंगे। क्या कर रहे हो हैं? ये सभी सती अनुसुईया से संबंधित जीवन की भातियाँ मूर्तियों द्वारा चित्रित की गई हैं। सामने एक ऋषि की समाधि बनी है, इसकी परिक्रमा करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। बाहर जाने का रास्ता यही है ना? अब हम लोग पूरी परिक्रमा पूरी कर चुके हैं, अब बाहर निकलते हैं। ये बाहर जाने का रास्ता है। इस आश्रम के सामने नदी बह रही है। चलिए नीचे चलते हैं, आपको नदी यहाँ बहुत से बंदर हैं, कृपया अपना सामान सुरक्षित रखते हैं। पहने ही देना, इस अंगूठी के पहनने से आपके घर की परेशानी दूर होगी, परिवार में परेशानी होगी। यह वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट करिए। यदि आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करिए और लाइक जरूर करिए। दस रुपए धन्यवाद। ₹10 की कीमत इतनी कम रखी है क्योंकि बाबा ने कहा है।